भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड के पलामू रैली में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि महामिलावट वाले के पूरे टोले का मकसद सिर्फ भ्रष्टाचार करना है। उन्होंने कहा कि देश की जनता के सामने दो विकल्प हैं, एक ओर दिन रात मेहनत करने वाला, देश को सुरक्षा देने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो दूसरी ओर सत्ता के स्वार्थ के कारण इकट्ठा हुए लोगों का टोला है। शाह ने कहा कि इस देश को एक निर्णायक फैसले करने वाला प्रधानमंत्री मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि संवेदनशील प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 70 साल देश पर राज करने वाली सरकारों ने 50 करोड़ गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब चौथे चरण तक पहुंच गई है। इस चरण में कन्हैया कुमार, डिंपल यादव, गिरिराज सिंह, उर्मिला मातोंडकर, उपेंद्र कुशवाहा, वैभव गहलोत समेत कई दिग्गज उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पूरे देश की निगाहें इस चरण के चुनाव पर हैं। आज शाम चौथे चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार खत्म हो जाएगा और मतदान 29 अप्रैल को होगा। चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। बॉलीवुड से राजनीति में आए अभिनेता सनी देओल ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजस्थान की अजमेर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के लिए रोड शो किया। सनी देओल ने अजमेर के राजा साइकिल चौराहे से रोड शो की शुरुआत की। उनका रोड शो डिग्री बाजार, बादर गेट, गांधी भवन और कचहरी रोड होते हुए नया बाजार पर खत्म हुआ। 5 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान सनी देओल के साथ भाजपा के अजमेर के उम्मीदवार भागीरथ चौधरी भी शामिल रहे। सनी देओल कार की सनरूफ के बाहर आकर रास्ते भर लोगों का अभिवादन करते नजर आए। सनी देओल ने कुछ दिन पहले ही भाजपा का दामन थामा था। भाजपा ने उन्हें पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पहले जहां देश में 126 जिलों में नक्सली सक्रिय थे, अब सिमटकर 6 से 7 जिलों में रह गए हैं। देश में नक्सली हिंसा में भी कमी आई है। आने वाले दिनों में नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। राजनाथ सिंह ने ये भी कहा कि मौजूदा वक्त में अनुच्छेद 370 और 35A की समीक्षा की आवश्यकता है। एक समाचार एजेंसी के साथ विशेष बातचीत में राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी जी ने जिस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नेतृत्व किया है, उससे स्पष्ट है कि भाजपा 2/3 बहुमत से सत्ता में लौटेगी। लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का बेहतरीन शासन बना रहे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के तौर पर मैंने बहुत कुछ किया है। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की समस्या का दीर्घकालिक समाधान तलाशने की कोशिश की, लेकिन इच्छित परिणाम नहीं मिल पाया। अब समय आ गया है कि अनुच्छेद 370 और 35A की समीक्षा हो, ये समझा जाए कि इन विशेष प्रावधानों से राज्य को क्या फायदा नुकसान हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमेठी सांसद राहुल गांधी आज पार्टी की ओर से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करने के बाद दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गौरीगंज व जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी रायबरेली में भी पार्टी की ओर से आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने के बाद सड़क मार्ग से जगदीशपुर के रानीगंज पहुंचेंगे। श्रीनगर ले राष्ट्रीय राजमार्ग पर ताजा बर्फबारी और कई जगहों पर हिमस्खलन हुआ है, जिसके चलते राजमार्ग को खोलने में और देरी हो सकती है। हालांकि सड़क को साफ करने का काम तेजी से चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार राजमार्ग पर स्थित जुजिला पास पर कई जगहों पर हिमस्खलन हुआ है, साथ ही ताजा बर्फबारी भी हुई है। इसके चलते पूर्व निर्धारित तिथि 30 अप्रैल को राजमार्ग खोलना मुश्किल भरा काम हो सकता है। आतंकियों ने श्रीनगर के छानपुरा पुलिस चौकी पर कल रात हमला किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी भाग निकले। आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कल रात छानपुरा इलाके में आतंकियों ने पुलिस चौकी पर हमला करते हुए अंधाधुंध गोलियां बरसाई। गेट पर तैनात संतरी के साथ थाने में मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग खोली, तो कुछ देर बाद आतंकी वहां से भाग निकले। आतंकी की ओर से की गई फायरिंग में कांस्टेबल फिरोज अहमद गंभीर रूप से घायल हो गया।
उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर देर रात एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दनकौर थाना क्षेत्र में जयपुर अजमेर के वापस शिकरापुरा बुलंदशहर अपने घर लौटते वक्त एक कार अज्ञात ट्रक में घुस गई। घटनास्थल पर ट्रक चालक फरार हो गया। घटना के वक्त कार में मालिक स्वर्णकार पंकज वर्मा, 2 नौकर इकबाल और खलील, नौकर इकबाल का बेटा काजू और चालक अंकित सवार थे। इस हादसे में स्वर्णकार पंकज और दोनों नौकरों की मौके पर ही मौत हो गई। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर टिकट की ऑनलाइन बुकिंग 1 मई से सुबह 10 बजे शुरू होगी। 1 मई 2019 से यात्री इन कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। नीलग्रात बालटाल पंचतरणी बालटाल सेक्टर के लिए एक तरफ का किराया 1,804 रुपए प्रति यात्री निर्धारित किया गया है, जबकि पहलगाम पंचतरणी मार्ग के लिए किराया 3,104 रुपए रहेगा। तेज धूप और भीषण गर्मी झेल रहे दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत के लोगों के लिए अगले कुछ दिन मुसीबत भरे साबित होने वाले हैं। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत में कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं होने के चलते दक्षिण पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। राजस्थान और दिल्ली में लू का प्रकोप और बढ़ जाएगा, जिससे लोगों को परेशानी होगी।